मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। संविधान एकता, संविधान एकता, इंकलाब, 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 संविधान एकता, जवाब, सामने एकता, संविधान एकता, मैं उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष रिंकू श्रीवास्तव। सर, मांगे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी जो 5 महीने से अभी संविदा कर्मचारियों किसी बरेली में किसी का भी वेतन नहीं मिला है अभी तक। 5 महीने से इस समय भुखमरी कगार पे आ गए हैं, जबकि 3-4 दफ़े मैं चीफ साहब से बात कर चुका हूँ, आश्वासन मिलता है 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन का, इस बार भी आश्वासन दिया था, लेकिन हम इस बात पे सहमत नहीं हुए। 13 महीने का EPF भी है, 13 महीने का EPF है, SI जमा नहीं हो रही है, इलाज के टाइम पे हमारे जो संविदा कर्मचारियों कार पे करते समय एक्सीडेंट हो जाता है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो अपनी खुद के पैसों से इलाज करा रहे हैं। मृतक लोगों को जो कंपनसेशन 5 लाख का मिलता था, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस समय अनेकों समस्याओं को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। ये तो अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जब तक समस्या समाधान नहीं हो जाएगी, सैलरी 5 महीने की मिल नहीं जाएगी, तब तक हम लोग उठने की तैयार नहीं है। ये आज से शुरू करा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। संविदा कर्मचारी भुखमरी के करीब इस समय 1200 संविदा कर्मचारी बरेली जिले में है, टोटल सभी का वेतन रुका हुआ है। किसी के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, किसी के बच्चे परेशान हैं, किसी के घर। क्या नाम है? शुभ नाम राकेश कुमार, सिविल लाइन फर्स्ट। क्या परेशानी आ रही है? मुझे परेशानी हो रहा है, मेरे बच्चे का एडमिशन था और मैं मेरे बच्चे को ना रिजल्ट मिल पाया, ना उसकी फीस नहीं जमा कर पाया, ना उसकी किताबें ले पाया, उसके वजह से मेरे बच्चे को, सब बच्चों का रिजल्ट मिला, मेरा बच्चा आंसू डाल के बाहर आया, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था, क्योंकि मैं 3-4 महीने से सभी की पे नहीं, मतलब तनख्वाही नहीं मिल पाई थी। अब थोड़ा बहुत खर्चा अपना जैसा भी करते हैं, कहीं मजदूरी कर लेते, कभी रात को इधर काम करते हैं, और कभी मजदूरी कर, कभी हुई कभी नहीं हुई, क्या इससे फर्क पड़ता है? इस समय पकड़ने क्या हम लोग अपनी आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्या करें? इधर JEE ITO की सुने, दिन भर घर पे जाके बच्चों की सुने, किसकी सुने सर? इधर JEE ITO में तालाब देते हैं कि आप जाइए लाइट सही करिए, उधर बच्चे कहते हैं क्या नौकरी कर रहे हैं आप छोड़ दो नौकरी के लिए, बच्चे भुखमरी पे हैं, बताइए हम किस स्तर पर जाएँ? सैलरी नहीं मिलेगी तो घर उनके परिवार वाले क्या खाएंगे? आज 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं सर, 5 महीने पूरे हो गए सर, 5 महीने हमारा नहीं। अरे ये EPF को तो छोड़ो, EPF की तो बात ही ना करो, हमारे रिंकू श्रीवास्तव को भी गालियाँ मिल रही हैं, इसलिए मिल रही कि हर आदमी इनको फ़ोन करता है कि आप अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो, अध्यक्ष जी क्या करें, अध्यक्ष जी केवल चीफ साहब से बात करते हैं, चीफ साहब आश्वासन देते हैं, IGO साहब से बात करते हैं वो आश्वासन देते हैं, हमारी ना MB नहीं करते हैं, मतलब ये लोग हमारा ना, मतलब किस बारे में हम लोग बातचीत करें?